नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आप लोगों को एडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर यह बताऊँगा कि बॉर्डर के साथ साथ आप डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताऊँगा। और ये जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ एमडी जौसमुद्दीन ने कमेंट किया है कि सर पेज मेकर में बॉर्डर कैसे लाएंगे, इन्होंने बंगला में लिखा है। लेकिन यहाँ सबसे पहले मैं एमडी जौसमुद्दीन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बॉर्डर अगर लाना चाहते हैं पेज मेकर में तो क्या तरीका है, मैं आपको बताऊँगा। और साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि बॉर्डर के साथ आप डिज़ाइन भी कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, नॉर्मल से एक आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ। देखिए ये बॉर्डर से मैंने डिज़ाइन किया है, अब कैसे किया है मैं आपको दिखाता हूँ। इसे करने के लिए क्या करेंगे मैं आपको एडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर बताऊँगा। तो फिलहाल नॉर्मली जैसे हम ये सभी जानते हैं, मैं एक पेज ले लेता हूँ। देखिए एडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर नॉर्मल से आपको पेज एक दिखाई दे रहा है। अब बॉर्डर लाने के लिए क्या तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये टूल बॉक्स है। इस टूल बॉक्स में ये टूल आपको दिख रहा होगा, ये रेक्टेंगल टूल है। इस पर क्लिक करके आप नॉर्मली एक इस तरह पेज, अपने पेज पे इस तरह आप एक बॉर्डर, पतला सा आप बॉर्डर इस तरह बना सकते हैं। ये फिल हो गया, इसे मैं खाली कर देता हूँ। नॉर्मली जब ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का आउटलाइन आपको एक तैयार हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरह का पतला सा बॉर्डर आएगा। अगर इसे थिक करना है, पतला करना है, मोटा करना है, अब इसके लिए क्या करेंगे, एलिमेंट में जाइए, स्ट्रोक में जाइए। और स्ट्रोक में यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स आपको दिखाई देगा। यहाँ पे स्ट्रोक, जैसे हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए 6 पॉइंट लेते हैं, तो देखिए इस तरह का, इतना देख सकते हैं इस तरह का बॉर्डर आएगा। अब एलिमेंट में जाते हैं, अगर ये पसंद नहीं आता है तो दूसरा लेते हैं। सपोज से ये वाला पसंद है, ये वाला ले लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मान लेते हैं जैसे स्ट्रोक में गया मैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये जो बॉर्डर है, ये देखिए 6 पॉइंट बॉर्डर है। अब देखिए ये देख सकते हैं आप कितना, देखिए यहाँ पे पतला है, इससे भी अगर मोटा करना है, सेम यही बॉर्डर अगर मुझे मोटा करना है तो क्या करेंगे, इसे और भी थोड़ा सा थिक करेंगे। तो एलिमेंट में जाइए, स्ट्रोक में जाइए, यहाँ पे देखिए कस्टम है, ऊपर ध्यान से देखेंगे कस्टम। अब कस्टम में जाने के बाद यहाँ पर देखिए कस्टम स्ट्रोक आ गया, यहाँ पर देखिए स्ट्रोक स्टाइल दिया है, यहाँ पर स्ट्रोक वेट दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6 पॉइंट दिया है, अगर मान लेते हैं इसको हम 24 करते हैं या 25 कर देते हैं, 24 पॉइंट। अब अगर ओके करते हैं तो देखिए इस तरह खूबसूरत से देखिए एक बॉर्डर यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो सिर्फ उसका साइज़ अगर बड़ा कर देने से देखिए कितना खूबसूरत सा एक बॉर्डर यहाँ पे आ गया। इसको कलर करने के लिए क्या करेंगे, कलर पैलेट में जाइए और ये जो देख सकते हैं ये आउटलाइन है बॉर्डर के लिए, लाइन के लिए, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जो कलर पसंद है क्लिक कर देते हैं, देखिए खूबसूरत सा एक, देखिए यहाँ पर एक बॉर्डर, कितना खूबसूरत सा बॉर्डर तैयार हो गया, देख सकते हैं। अब मान लेते हैं इसके अंदर मान लीजिए एक और बॉर्डर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर ये वाला जो लाइन, ये जो बॉक्स है रेक्टेंगल टूल, फिल अगेन मैं यहाँ से एक लाइन इस तरह का एक नॉर्मल सा बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये बॉक्स ड्रॉ कर दिया मैंने, इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा, देखिए। अब देखिए यहाँ पे अब इसको भी एक काम करते, इसका भी जो ये बॉर्डर है देखिए, इसको भी अगर खूबसूरत बनाना है तो क्या करेंगे, एलिमेंट में जाइए, स्ट्रोक में जाइए। अब यहाँ से हम एक दूसरा स्ट्रोक लेते हैं, सपोज़ ये वाला 4 पॉइंट, ध्यान से देखिएगा 4 पॉइंट मैंने ले लिया, इस पर क्लिक कर देता हूँ। लेकिन अभी देखिए कितना पतला आपको दिखाई दे रहा होगा, अब इसको भी थोड़ा सा चौड़ा करने से देखिए क्या असर होता है। देखिए एलिमेंट में जाते हैं, स्ट्रोक में गया मैं, यहाँ कस्टम में गया, कस्टम में जाने के बाद स्ट्रोक स्टाइल, स्ट्रोक वेट 4 दिया है, मान लेते इसको भी हम कर देते हैं 26 कर दिया मैंने, स्ट्रोक वेट मतलब इसका चौड़ाई के लिए ओके कर देता हूँ। देखिए कितना, देखिए खूबसूरत सा, देखिए इस तरह का बॉर्डर देखिए तैयार हो गया, देख लीजिए ध्यान से, ये देखिए। अब मान लीजिए इसको कलर करना है, सिंपली आप कलर पैलेट में जाइए, अब इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे अगर ब्लू पे क्लिक कर देता हूँ, देखिए ब्लू आउटलाइन इस तरह का बॉर्डर तैयार हो गया। अब इसको भी और भी खूबसूरत करना है तो और दिखाता हूँ मैं, सिंपली आप अगेन टूल बॉक्स में जाइए और ये वाला जो टूल आपको दिखाई दे रहा है ये वाला बॉक्स, इस पर क्लिक कर दीजिए और ठीक इसी आउटलाइन, ये जो बॉर्डर है इसके बीचों बीच एक इसी तरह एक बॉक्स ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए मैंने बॉक्स ड्रॉ कर दिया, फिल हो जा रहा है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए यहाँ पर नन कर देता हूँ मैं, इसे फिल में खाली करने के लिए नन कर देता हूँ। ये देखिए ये पतला सा हो गया, अब इसको भी थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं। तो एलिमेंट में जाते हैं हम लोग, उसके बाद स्ट्रोक में गया यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइए,
अब यहाँ देखिए, यहाँ पे डॉट 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 4 पॉइंट के लिए डॉट वाला स्ट्रोक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए कितना पतला आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको भी क्या करेंगे, थिक कर देते हैं, थोड़ा मोटा कर देते हैं। एलिमेंट में जाते हैं, स्ट्रोक कस्टम में जाइए। अब यहाँ पे स्ट्रोक वेट देखिए 4 दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं इसको भी मैं कर देता हूँ 22 कर दिया मैंने, स्ट्रोक वेट 22, ओके कर देता हूँ। देखिए कैसे डॉट 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 तैयार हो गया, देखिए कितना खूबसूरत सा देखिए बॉर्डर तैयार हो गया, देख सकते हैं। अब इसको कलर करना है तो यहाँ पे कलर पैलेट में चले जाइए और यहाँ पे ये वाला लाइन के लिए इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ये ग्रीन कर देता हूँ या मैजेंटा या जो आपको रेड करना है, रेड पे क्लिक कर दीजिए। खूबसूरत से देखिए कितना खूबसूरत से एक बॉर्डर इस तरह तैयार हो गया, देख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर पिक्चर वगैरह, इसको मैं अगर एक्चुअल साइज़ करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसे एक्चुअल साइज़ करता हूँ, तो देखिए कितना खूबसूरत सा बॉर्डर। आप चाहें तो इसको अंदर फिल भी कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके इसे फिल कर दीजिए। ये देखिए इधर से भी इसको ड्रैग कर दीजिए, इसके अंदर फिल कर दीजिए, सेट कर दीजिए। ये देखिए कितना अट्रैक्टिव सा एक बॉर्डर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, तो आप देखिए यहाँ पे खूबसूरत सा देखिए कितना खूबसूरत सा एक बॉर्डर तैयार हो गया। इसको मैं थोड़ा सा फिट इन विंडो कर देता हूँ, देखिए देख सकते हैं। अब मान लेते हैं इसको और अट्रैक्टिव करना है, तो कलर से देखिए मैचिंग मैचिंग हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए जरा गौर से, अगर आप इसे गौर से देखेंगे, मान लेते हैं इसे ब्लू कर देते हैं, तो देखिए कैसा लगता है। इस लाइन पे क्लिक किया मैंने, इसे ब्लू कर देते हैं, देखिए और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया, देखिए ध्यान से। अब मान लेते हैं एक और आउटलाइन लेते हैं, तो इसके लिए अगेन क्या कि एक बॉक्स पे, इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए बाहर, यहाँ पे आप इस तरह ड्रॉ कर देते हैं, कर दिया, ये फिल हो जा रहा है। तो फिल अगर हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्लिक कीजिए, फिर नन पे क्लिक कर दीजिए, ये फिल नहीं होगा। देखिए उसके बाद एलिमेंट में जाइए, स्ट्रोक में जाइए, और ये जो लाइन है देखिए यहाँ पे, इस डैश डैश लाइन है, ये वाला लाइन है, जैसा आपको लाइन लेना, अगर बड़ा लेना है, पतला लेना है, जैसा आपको लेना है, क्लिक कर दिया, देखिए पतला हो गया। इसको क्या कीजिए, एलिमेंट में जाइए, स्ट्रोक में जाइए, और यहाँ पे कस्टम में जाइए, इसको भी कर दीजिए 20 या 20, जैसा आपको अच्छा लगे। ओके देखिए कितना, ये देखिए एक किस तरह का बॉर्डर तैयार। पसंद नहीं आ रहा, एलिमेंट में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रोक में जाइए, अब दूसरा पसंद आएगा, क्लिक कर दीजिए, देखिए इस तरह का बॉर्डर, खूबसूरत सा बॉर्डर तैयार हो जाएगा। तो सिंपल तरीका है, इस तरह आप बॉर्डर को भी, इसे मैं थोड़ा सा एक्चुअल साइज कर देता हूँ, देखिए खूबसूरत सा, देखिए कितना खूबसूरत सा एक बॉर्डर तैयार हो गया। सेम टू सेम इस पेज में मैंने आपको दिखाया, देखिए यहाँ पे, ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह बॉर्डर आप तैयार कर सकते हैं। देखिए एक फ्रेम नुमा एक बॉर्डर, ये देखिए अलग अलग बॉर्डर्स। तो इस तरह आप अपने क्रिएटिविटी यूज़ करके आप इस तरह का एक फ्रेम टाइप का, फ्रेम नुमा बॉर्डर आप बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के लिए। डिपेंड करता है आपके क्रिएटिविटी पे, डिपेंड करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग बॉर्डर ले लाते हैं, प्लस उसे कलर कैसे करते हैं, और कैसे इस तरह का एक डिज़ाइन हम लोग तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पे पेज मेकर के अंदर, देखिए ध्यान से, जैसे मैं थोड़ा सा 75% कर देता हूँ ताकि आप देख सकें अच्छी तरह से, देखिए। तो इसी तरह हम लोग स्ट्रोक या बॉर्डर यूँ कहीं डिज़ाइन बनाते हैं, स्ट्रोक लेकर आते हैं, बॉर्डर लेकर आते हैं, सिंपल और आसान तरीका। अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं एडोबी पेज मेकर 7.0 से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।